फॉर्मूला याद रखा है, फॉर्मूला पे ही सारा बिल्ड, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है। जिसको चाहिए कि एक जगह फॉर्मूला, मैं सर्वेइंग का जितना सारा फॉर्मूला है अभी बोलिएगा तो अभी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना, जब बोलिएगा तब डालिएगा, ठीक है ना। सर्वेइंग का सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है ना, डिप्लोमा लेवल का, हर पेपर का लिखा हुआ, लेकिन आपको सर्वेइंग का दे दूंगा, ठीक है ना। तो सर्वेइंग का जितना फॉर्मूला एक जगह लिखा हुआ है, मेरे हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग हंसिएगा नहीं, हम लोग बनाए थे डिप्लोमा टाइप में ही बनाए थे इसको एग्जाम के लिए, तो आपको जो है वो भेज देंगे, ठीक है ना। उसमें सारा फॉर्मूला सारा चीज लिखा हुआ है। ये पांचों का वैल्यू आप जोड़ करके क्या निकाल दीजिएगा, टोटल 114.09 मीटर में कितना हमारे पास एरर आया, करेक्शन क्या हुआ उसका, ठीक है। पांचों वैल्यू का करेक्शन हम लोग निकाल देंगे, ये हम लोग को टोटल करेक्शन आएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं लास्ट करेक्शन, ठीक है ना। तीन क्लास लग रहा बाबू आपको लोग का न्यूमेरिकल के लिए, तीन क्लास लगा, ठीक है ना। तो करेक्टेड चेन लेंथ कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल करेक्शन, टोटल करेक्शन बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, पांचों को जोड़ेंगे, CA को जोड़ेंगे, CT को जोड़ेंगे, CP को जोड़ेंगे, फिर ये जो सैग होता था उसको जोड़ेंगे, फिर स्लोप जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, स्लोप को जोड़ेंगे। सब पांचों का वैल्यू निकाल दिए थे। CA का वैल्यू कितना आया था, जिसको याद है देख लो, अगर लिख रहे होगा, नहीं लिख रहे होगा तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, 0.0570 होगा, ठीक है, 0.570 होगा, ठीक है, पॉजिटिव में, ठीक है। ये क्या था, पॉजिटिव में था, और ये क्या था, निगेटिव में था, ठीक है। ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, ये निगेटिव में वैल्यू था, कितना था, 0.49, ठीक है, 0.49, ठीक है, इसका वैल्यू था। ये टेम्परेचर कनेक्शन था, टेम्परेचर घट गया था ना जी, 12 डिग्री सेल्सियस हो गया था, इससे 12 तो माइनस साइन हो गया, टेम्परेचर घटेगा तो लंबाई छोटा हो जाएगा, लंबाई छोटा हो जाएगा तो करेक्शन माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, फुल करेक्शन, फुल क्या हो गया था, 70 पे था, 100 पे लगाए थे, तो ये क्या हो गया, लंबाई बढ़ जाएगा, खींचेंगे जोर से, इसका क्या वैल्यू था, 0.0058, ठीक है। और ये बच गया तुम्हारा सैग करेक्शन, सैग करेक्शन कितना था, उसमें आया था 1, ठीक है ना, इसमें लेकिन अगर 114 मीटर के लिए -1.125, लेकिन अगर देखो, लेकिन क्या है, 114 मीटर पर निकालेंगे, ठीक है ना, इसको हम बताएंगे 114 मीटर पर निकालने के लिए, ठीक है ना। तो उस पे निकालने पे कितना आता था, माइनस में 0.035, वो बाबू 30 मीटर के लिए था, ठीक है ना, वो 30 मीटर के लिए था, ठीक है ना, अभी हम बताते हैं उसको भी। ये कितना था, ये स्लोप, स्लोप भी कितना था, माइनस में था, ठीक है, -0.03125। ये कैसे निकला, वो 30 मीटर के लिए था, वो सिर्फ कितना था, डब्ल्यू स्क्वायर एल बटा 24 एन स्क्वायर पी स्क्वायर, सिर्फ 30 मीटर के लिए था, 114 मीटर के लिए निकालेंगे उसका वैल्यू, ठीक है, पता चलेगा। एल के जगह पे 114 लिख देंगे ना सर, 30 के जगह, नहीं नहीं बाबू, वो वेट आपको लेना पड़ेगा 114 मीटर का, 114 मीटर का वेट लेना पड़ेगा टोटल, आपको 30 मीटर का ना दिया जी वेट, वजन कितना दिया है, वजन जो दिया है उस पूरा चेन लंबाई का ही दिया ना, 30 मीटर के लिए दिया ना, ठीक है। आप ये सोचिए, पहला आपको वजन तो दिया है 30 मीटर लेंथ का चेन का टेप का, आपको 114 मीटर लेंथ का टेप का तो नहीं दिया वजन, तो आपको एक बार में क्या निकलेगा, 30 मीटर के लिए फॉर्मूला वैलिड होगा, उसमें आपको क्या होगा, 114.095 मीटर के लिए आपको उस वैल्यू को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। वही मैं बता रहा हूँ कि अभी वो आपके दिमाग से ऊपर ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं उसे उसको नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो अभी आप लोग इतना में ही हल्ला कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब इसको पांचों को जोड़ करके प्लस माइनस करके हम लोग निकालेंगे, तो इसका वैल्यू अल्टीमेटली कितना आएगा, माइनस में आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, माइनस 10.49, ठीक है ना, 1849 आ रहा है, देख लो बाबू मिला कितना आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, हो सकता है नोट्स में दिया हो, -10.49497, ठीक है, देख लो ये वाला इतना आना चाहिए, ठीक है, इतना आना चाहिए ये वाला, ठीक है। अब करेक्ट लेंथ निकाल देंगे, हमारे पास कितना था, 114.095 था, हमारे पास ये था ना 114.095, इसमें से इसको सिर्फ क्या कर देंगे, माइनस करते हैं 0.1849, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 114.076, ठीक है, ये हमारा करेक्टेड लेंथ आ गया, ठीक है। अब हम सिर्फ एक टॉपिक बच गया है, पुल वाला, ठीक है, कि पुल को कैसे निकालेंगे, ये आपको हम नेक्स्ट जब सब लोग फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तब वो बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आप लोग पागल हो जाएंगे, ठीक है, कि सर ये तो आ नहीं रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, जब सब बहुत ही इजी है, बस खाली मत करो, यही सर
थोड़ा सा रुकिए, अरे बाबू पहले बोलना था ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग के लिए दिक्कत है। हो गया ऐसा मेरा 0.11। ठीक है मैं बता देता हूँ, डाटा बता देता हूँ, नोट्स भी कर देता हूँ इधर, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बस पांचों का एक फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है ना, बस पांचों का फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है ना। देखो अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, आ गया तुम्हारा स्क्रीन पे सामने, ठीक है ना। अब ये हो गया तुम्हारे पास टोटल पांचों का है, हमने तीन हर क्वेश्चन को, हर फॉर्मूले को तीन तीन बार पढ़ा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, हर फॉर्मूला से तीन बार क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब बताते हैं ईरर इन चेन सर्वे, ईरर कैसे होता है चेन सर्वे में, ठीक है। ईरर मुख्यतः जो होता है दो तीन तरह का, एक तो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ह्यूमन ईरर होता है, इंस्ट्रूमेंट ईरर एक ह्यूमन ईरर, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट दो तरह का ईरर होता है। पहला जो होता है, बोर्ड पे भी देख सकते हो तुम लोग, ठीक है, नोट्स नहीं भी देखोगे तो बोर्ड पे क्लिक कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट ईरर, दूसरा ह्यूमन ईरर, ठीक है। ईरर कितने तरह का, ये पूछता है एग्जाम में जी, ईरर कितने तरह का होता है, वो करेक्शन हो गया, चेन करेक्शन, टेप करेक्शन, ईरर कैसे, ठीक है ना। तो क्या होगा, पहले इंस्ट्रूमेंट ईरर, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो कि इंस्ट्रूमेंट ही क्या होगा, ठीक है, नहीं बता रहा है कि कितना, ये मेजरमेंट ही नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट ईरर होगा, इंस्ट्रूमेंट ईरर होगा। दूसरा क्या, नेचुरल ईरर, नेचुरल ईरर मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, इलोंगेशन हो गया, बहुत ज्यादा इलोंगेशन हो गया, सैगिंग भी क्या है एक तरह से ईरर है, सैगिंग भी क्या है, गड्ढा, गड्ढा होना, इलोंगेशन ड्यू टू टेंशन, ठीक है, टेंशन ज्यादा खींच दिए उसके कारण, टेम्परेचर बढ़ गया उसके कारण, ये सब क्या नेचुरल ईरर है, तो ईरर ही ना। अब ये तीसरा होता है पर्सनल ईरर, पर्सनल ईरर मतलब कि जो हम लोग करते हैं सर्वे के कारण, आप लोग हम लोग मिलकर करते हैं, क्या करते हैं भाई, तो हम लोग अलाइनमेंट गड़बड़ कर दिए, अलाइनमेंट लेना था सीधा लाइन ऐसे, लाइन मार्क खींच दिए ऐसे, तो क्या होगा, इतना का दिक्कत होगा ना, जी डी स्क्वायर बटा 2l से सही होगा, कितना होगा डी स्क्वायर बटा 2l माइनस में, ठीक है। अब क्या होगा, टेप हॉरिजॉन्टल नहीं रखी है, टेप क्या रख दिए, वर्टिकल रख दिए, ऐसे ऐसे करके टेप रखे हैं, मोड़ मोड़ के रखे हैं, ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के रखे हैं टेप, तो गड़बड़ तो होगा। इम्प्रॉपर प्लम्बिंग भी नहीं किए हैं, मतलब वर्टिकल प्लम्बिंग करना चाहिए था लेकिन प्लम्बिंग भी सही से नहीं किए, इससे भी गड़बड़ होगा। रीडिंग पढ़ना था कुछ 5 मीटर था, कोई पढ़ दिया 10 मीटर, तो क्या होगा, गड़बड़ हो गया। चेन पे तो लिखता नहीं ना जी 5 मीटर होता है कि 10 मीटर चेन है, कैसे समझोगे कि 5 मीटर हुआ कि 10 मीटर हुआ, कैसे नापेंगे, जल्दी बताओ, बताया हुआ चेन में फर्स्ट में ही सर टैली रहेगा, उसमें क्या रहेगा, एक 10 मीटर में कितना रहेगा, 2 मुंह वाला निकला रहेगा टैली, 5 मीटर में 1 मुंह वाला निकला रहेगा, 5 मीटर में 3 मुंह रहेगा, ठीक है ना, 20 में 4 गो रहेगा, 20 मीटर में 4 गो रहेगा। अब बताओ, अब जाके कैसे नापोगे, इसी से नापेंगे, इससे नापेंगे, ठीक है ना, ये 10 मीटर हुआ, ये 5 मीटर हुआ, ये 15, ये 20, ठीक है ना, इस तरह से नापेंगे, 25 में 5 होगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग नापेंगे। समझ में आया तुम लोग, महाबुड़बो को तुम लोग कैसे नापोगे, ठीक है, लिंक से नहीं पता चलेगा सर, लिंक से नहीं पता चलेगा, तो लिंक 100 गो लिंक गिनोगे तब तो बैठ के पता चले, सुबह से शाम 100 गो लिंक ही गिन रहे हैं, ठीक है, 10 गो ऐसा डिस्टेंस रह गया तो 100 लिंक गिने, आधा बीच में गड़बड़ा गया, ठीक है ना, उससे ज्यादा आसानी के लिए दिया हुआ है ना तुम लोग को, इसीलिए दिया हुआ है, ठीक है ना, चलो ठीक है, मात्र तुम लोग 4 से 5 अभी लड़का हो, बाकी सब भाग गए लोग, चलो ठीक है। ईरर इन चेनिंग देखो, ठीक है, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है, कंपनसेटिंग ईरर और क्यूमुलेटिव ईरर, वैसा ईरर दो तरह से, ईरर को ये तो बांट दिया ना तीन तरह से, अब दो तरह से ईरर होता है, क्या होता है जी, कि एक जो होता है ईरर जो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, जैसे गलत चेन, गलत लंबाई, लंबाई ये गलत हो गया चेन का, तू तो सही नहीं होगा ना, लेकिन टेम्परेचर ये क्या होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो ऐसा ईरर जो बढ़ेगा घटेगा एक डायरेक्शन में नहीं हो, ठीक है, उसको कहेंगे कंपनसेटिंग। अक्यूमुलेटिव मतलब जमा हो जाना, जैसे लंबाई छोटा हो गया, तो इससे जितना लंबाई मापोगे छोटा ही तो होगा, इससे जितना भी लंबाई मापोगे छोटा ही मापोगे ना जी, छोटा ही रहेगा लंबाई, चेन छोटा रहेगा तो लंबाई भी छोटा रहेगा, तो इस तरह से क्या होगा, लंबाई गलत है उसको क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव। तो दो तरह का ईरर होता है, कंपनसेटिंग जो क्या होगा, बढ़ और घट दोनों सकता है, मान लो पुल लगाना है चेन पे, पुल लगाना, एक बार क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ताकत लगा दो, डांट सुना, मान लो कोई चेन था लेके जा रहा था, बहुत जोर से ताकत लगा दे, तो टीचर बहुत जोर से डांटे उसको, फिर क्या हुआ, बहुत हल्का से लगाने लगा, तो एक बार ज्यादा हो गया पॉजिटिव में, एक बार निगेटिव में आ गया, तो कंपनसेट हो गया ना जी, पुलिंग में ऐसा होता है कि कंपनसेट हो जाता है, लेकिन
अगर मान लो कि चेन बहुत छोटा हो गया या बहुत बड़ा हो गया, तो कंपनसेट नहीं होगा ना जब तक उसको सही नहीं करोगे। उसके लिए देख ही पाए, आपको मजबूरी है कि उसी से करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, आप ताकत घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो टेम्परेचर। मान लो कि दोपहर में नहीं किए, शाम में जाके किए, तो हो सकता है आपको टेम्परेचर घट पड़ सकता है। तो कंपनसेटिंग इधर समझ गया ना कि जो गड़बड़ी जो है घट बढ़ सकता है, लेकिन क्यूमुलेटिव मतलब जो घट बढ़ नहीं सकता, वो बढ़ना ही है, बढ़ना है, नहीं तो ठीक है और कुछ नहीं। तो देखो क्या होता है, इनकरेक्ट होल्डिंग चेन, ज्यादा ताकत लगा देने पे एरो गलत लगा दिए, फ्रैक्शनल पार्ट गलत कर दिए, स्टेपिंग ऑपरेशन के कारण, ये सब क्या है, कंपनसेटिंग है। जैसे एंगल, चेन एंगल जो है नहीं बढ़िया से सेट की है, कम ज्यादा सेट कर दिए एंगल, ठीक है, ऑफसेट अच्छा से नहीं दिए, सब क्या कंपनसेटिंग। क्यूमुलेटिव में होगा जो सेम डायरेक्शन में होगा, बढ़ेगा तो बढ़ते रहेगा, घटेगा तो घटते रहेगा, ठीक है, एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, जैसे पॉजिटिव इनर्शिया इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे मान लो कि चेन का लंबाई बढ़ गया, ठीक है, चेन और या तो घट गया, शॉर्टर हो गया स्टैंडर्ड लेंथ से, या बढ़ गया, रिमूवल ऑफ कोई एक लिंक जो है इस तरह से रहता है, ठीक है ना, लिंक रहता है ना जिस चेन का बना हुआ, कोई लिंक टूट गया, गिर गया, ठीक है, या टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो क्या होगा, अब तो तुम्हारा चेन खराब हो गया ना। तो उसमें क्या, जैसे बहुत सारा स्टैग है, स्टैग वाला क्या होता है, हमेशा कंफर्म है तुम्हारा कि वो क्या होगा, इधर क्यूमुलेटिव ही होगा, स्टैग में कंपनसेटिंग नहीं होगा, क्योंकि वो तो पता ही कि गड्ढा होगा तो लंबाई कमते रहेगा, कमते रहेगा, ठीक है ना। ये सब क्या है, इरर है, दो तरह का इरर है, क्यूमुलेटिव कंपनसेटिव। क्यूमुलेटिव इरर जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये क्वेश्चन, देखो अंडरलाइन कर दिए है, तुम लोग बहुत बोलते हो अंडरलाइन कर दिए, ये अंडरलाइन कर दिए, ठीक है ना। तो क्यूमुलेटिव इरर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है ना। लेकिन जो कंपनसेटिंग होता है उसका रूट अंडर एल होता है, उसका क्या होता है, कंपनसेटिंग रूट अंडर एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ लाइन, एल क्या है, लेंथ ऑफ लाइन। ये दो चीज याद रखना, जो कंपनसेट करेगा तो उसका क्या होगा, रूट में चला जाएगा, ठीक है, और जो क्यूमुलेटिव जो जमा होगा उसका एल के फॉर्म में चलेगा, रूट एल और एल, यही दो चीज याद रखना है, क्यूमुलेटिव इरर और कंपनसेटिंग इरर, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन ऊपर वाला रह गया था जो आप लोग नहीं पूछे थे, चेक लाइन और टाई लाइन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो चेक लाइन और टाई लाइन क्या होता है, चेक लाइन जो होता है क्या होता है, प्रूफ लाइन, इसको क्या प्रूफ लाइन भी बोलते हैं, जो चेक करता है ये रन इन द फील्ड एक्यूरेसी ऑफ प्री वर्स करते हैं, इसको कहां से लेते हैं जी चेक लाइन, जल्दी से बताइए, आप लोग क्लास करते हैं तो भूलते हैं, एपेक्स से किस पे डालते हैं, बेस लाइन, ये बेस लाइन पे लाइन डालते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, चेक लाइन बोलते हैं, ठीक है। टाई लाइन क्या होता है, तो कोई भी लाइन से, सर्वे लाइन से बेस लाइन पे, हाँ ठीक है ना, ठीक है, डिटेल से ये डिफरेंस है, दो डिफरेंस है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, दो डिफरेंस और भी लिख सकते हैं, ये किसके काम आता है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क से, ये सिर्फ डिटेल्स लेता है, ठीक है, सब्सिडी रजिस्ट्रेशन को मेन लाइन से जोड़ता है, ठीक है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसको मैंने वहां से डाल दिया, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक बच गया आप लोग का, क्या चेन लाइन को किससे मापते हैं, तो चेन लाइन का ये सब नोटेशन है, ठीक है, चेन लाइन का ये सब ऐसे से नोटेशन है, ठीक है। ये क्या बिल्डिंग को इस तरह से करते हैं, ठीक है, शेडेड एरिया है, मंदिर मस्जिद को इस तरह से, कौन सा क्या बनाएंगे चेन लाइन में, ये पॉन्ड है, ठीक है, अंदर अंदर जाते हुए पॉन्ड है, ये टाउनशिप का बाउंड्रीज है, या फिर बाउंड्री को इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, रेलवे लाइन के लिए इस तरह से दिखाते हैं, रेड अंडर रेलवे, ठीक है, ये सब पेड़ पौधा को इस तरह से, ओवरहेड लकड़ी को इस तरह से, ग्रास को इस तरह से, झाड़ियां को इस तरह से, ये सब दिखाने का तरीका है, ठीक है ना, ये सब पूछेगा नहीं लेकिन तुमको क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है ना, हाँ, तुमको क्वेश्चन में ही फोटो दे देगा, बोलेगा कि किसका है, रोड ओवर रेलवे, लेवल क्रॉसिंग, रोड ब्रिज, किसका है, तो क्या होगा, लेवल क्रॉसिंग, क्या हो जाएगा, लेवल क्रॉसिंग, ठीक है, चलो हाँ बोलो, सीट पे क्या बोल रहे हो, साइड पे यूज करना है सर, हाँ ये डिजाइन ड्राइंग बनाना है इस पे, अगर साइड पे बनाने के लिए, अगर ये साइड पे यूज नहीं करना बाबू, जब मैप बनाओगे ना उसमें ये सब दिखेगा, सर्वे मैप बनाओगे तो उसमें ये सब चीज यूज करना है, ये हाँ यहाँ यूज करना, ठीक है ना, सर्वे मैप में। सर साउंड नहीं है, ठीक है ना, कल मिलते हैं आप लोगों से।
ठीक है ना। जो लोग पेमेंट नहीं किए सर फार्मूला भेज दीजिएगा सर, अभी अभी भेज देते हैं, अभी भेज देते हैं। यस सर, सर क्वेश्चन भी भेज दीजिए सर।